जब भी आप कोई न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कहते हैं ना वो सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे हेडेक होना, माइनर सा पेन होना, और ये गलत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, राइट? ये बहुत नॉर्मल है। जब भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स मतलब जहर बाहर होगा, टॉक्सिन्स को हिंदी में एक तरीके का जहर बोलते हैं, जो गंदगी आपके शरीर से साफ होगी तो आपके लिए वो न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से काम करेगा, राइट? तो हेडेक होना बहुत कॉमन होता है, और इस प्रोसेस को रीट्रेसिंग बोला जाता है, रीट्रेसिंग बोला जाता है, राइट? कितने सारे लोगों ने घर में अभी दिवाली पे व्हाइट वॉश कराया था, कितने सारे लोगों ने दिवाली पे घर में व्हाइट वॉश कराया था, यहां पे व्हाइट वॉश मतलब पेंटिंग कराई थी, घर में कराई थी ना, तो घर में जो दीवार पे जो खराब वाला पोस्टर होता है जहां से पपड़ी निकल रही होती है, वो क्या करते हैं जो वो पेंटर्स होते हैं, वो उसको पहले निकाल के साफ करते हैं ना ढंग से, उसको ऐसा कर देते हैं कि उस पर नया पेंट हो सके। वही काम आपकी बॉडी में ये न्यूट्रिशन करता है, और इस प्रोसेस को रीट्रेसिंग बोलते हैं। मतलब आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है, वो एलर्जी नहीं है, वो एक हेल्दी आपकी बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से वो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब वो सिम्टम्स क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम।